नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी में यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नॉट बाय फोन, ओनली ऑन व्हाट्सएप 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की आयुर्वेदिक दवा जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं वो है धन्वंतरम तैल। तैलम ये साउथ इंडिया के जब एरिया होता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब साउथ इंडिया में होती है तो तैल के बजाय वो थैलम ऐसा लिख देते हैं। दोनों का अर्थ इक्वल है, सेम है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस तैल में ज्यादातर जो वनस्पति इस्तेमाल की गई है इसका डिटेल विवरण, मतलब एक तरीके से आज इस वीडियो के द्वारा मेडिकेटेड ऑयल के बारे में चर्चा करते समय 10 से 12 वनस्पति की आपको मेडिसिनल वैल्यू, उसकी उपयुक्तता, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो तेल के उपयोग तो मालूम पड़ेंगे ही, फिर उसके साथ साथ इसमें अंतर्भूत इंक्लूडेड जो भी वनस्पतियां हैं, बहुत सारी 10 12 14 वनस्पति की चर्चा इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कृपा करके वीडियो आखिर तक देखिए और आपका आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चालू करते धन्वंतरम तैलम, ये सीताराम कंपनी का यहाँ मैंने बॉटल दिखाया है, लास्ट में आपको लिंक भी दे दूंगा। धन्वंतरम तैल जो है वो न्यूट्रिशियस है, तो ज्यादातर जो भी आमवात के रोग होते हैं, आमवात रोग होने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, बुढ़ापे में जब आर्थराइटिस हो जाता है तो उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस संधिगत वात ऐसा आयुर्वेद में बोला है। उसके साथ साथ बहुत सारे आर्थराइटिस के प्रकार, गठिया आदि में दर्द, पेन, सूजन, इडिमा और गतिशीलता की हानि, मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, पेन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, मूवमेंट्स एक्टिवेट करने के लिए, बोनी जॉइंट्स एक्टिवेट होना चाहिए, उसके लिए धन्वंतरम तैलम बहुत ही उपयुक्त है। उसके साथ साथ प्रसव पूर्व ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड एंड प्रसवोत्तर परपीरियल पीरियड, उसमें भी ये धन्वंतरम तैल से मसाज स्त्रियों को किया जाता है। देखिए कि ये जो त्वचा है ना, स्किन, हमारे शरीर का बहुत बड़ा अंग है। आयुर्वेदिक के दैनिक दिनचर्या जो टॉपिक है, मतलब डेली रेजिमेन, उसमें बताया गया है कि अभ्यंगः आचरेत नित्यम, मतलब फुल बॉडी ऑयल मसाज ये हर एक व्यक्ति ने हर रोज करने की जरूरत है। जो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, तो कम से कम छुट्टियों के दिनों में या वीकेंड में हर हर व्यक्ति ने कोशिश करनी चाहिए कि खुद को तेल से परस्पर या खुद को खुद सेल्फ मसाज आप कर सकते हैं। व्यवस्थित मालिश का असर जो है वो ऑस्टियो मस्कुलर सिस्टम या स्केलो जो बोलते हैं ना, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसमें मसल्स आ जाते हैं, टेंडॉन्स आ जाते हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं, बोन्स आ जाते हैं, बोनी ज्वाइंट्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, उस सब की एक प्रकार की ताकत पोषण करने में ये धन्वंतरम तेल काम करेगा। उसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम, ब्रेन, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, इसके सब के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सब के ऊपर ये धन्वंतरम तैलम पोषण का काम करेगी और त्वचा का भी जो है ना, स्किन एंड कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, वो भी बढ़ जाएगा। शरीर में आप तो जानते कि वात, पित्त और कफ ये बायो एनर्जीज हैं। वात की जिम्मेदारी मूवमेंट की तरफ है, छोटी मोटी मूवमेंट्स, अंदर वाली मूवमेंट्स, बाहर वाली मूवमेंट्स, हलचल। पित्त जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है और कफ दोष न्यूट्रिशन, स्टेबिलिटी और वर्धन के लिए जिम्मेदार है। इस सब जब इम्बैलेंस हो जाता है, ज्यादातर वात दोष जब बिगड़ जाता है, वात प्रकोपक आहार विहार के द्वारा, खान पान में ज्यादा रूखा सूखा खाना, पानी कम पीना, रात को जागना, इसके द्वारा और भागदौड़ वाली जिंदगी जब रहती है तो वात दोष प्रकोपित हो जाता है और आम वात की बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए धन्वंतरम तैलम काम करेगा। उसके धन्वंतरम तैलम में कम से कम 40 या 42 वात हर दवा मौजूद है, एंटी वाता काम करने वाली दवा है, जैसे कि दशमूल है। उसके साथ साथ दशमूल का मतलब 10 रूट्स, बिल्व, अग्निमंत, शोणनाग, पाटलाट, 10 टू शालीपर्णी, पृष्ठिपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षर। घबराइए मत, मैंने सिर्फ दशमूल के नाम बता दिए,
दशमूल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर वात दोषा। हमारी घर में दशमूलारिष्ट हमेशा रखना चाहिए। कौन सी भी दर्द, कौन सा भी वेदना, बेहतरीन दवा दशमूलारिष्ट, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी खाना खाने के बाद में। उसके साथ साथ धन्वंतरम तैल में देवदारू है बला। बला नाम से देखिए, बला का मतलब स्ट्रेंथ, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ, बोन की स्ट्रेंथ, जॉइंट की स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? बला सीरा कॉर्डिफोलिया। उसके साथ देवदार है, कुष्ठ है और रासना है। तो ये सब मिलाकर दर्द कम करेगी, एनाल्जेसिक, सूजन कम करेगी, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूखापन, रूखापन, खुरदरापन ये सब दुरुस्त कर देगी, और गतिशीलता की जो हानि हुई है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सब मूवमेंट्स को ठीक ठाक कर देगी धन्वंतरम तैलम। एक एक करके देखते हैं। पुनर्नवा, ये मूत्रवर्धक दवा है, डायूरेटिक, जिसके द्वारा शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकल जाएंगे। अश्वगंधा और शतावरी, इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर बोलाया जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करती है, और दोनों भी बेहतरीन रसायन द्रव्य है। जैसे हमारी बोलते हैं ना कि फूड सप्लीमेंट, उसके द्वारा इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रसव पूर्व, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और प्रसव के बाद, डिलीवरी होने के बाद, ये महिलाओं में ज्यादातर खाली, मतलब जो क्या बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन, आंत्र प्रदेश और क्षोणी क्षेत्र, मतलब पेल्विक रीजन में वात प्रकोप हो जाता है, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप। डिलीवरी हो गई, धातु थोड़ा सा रक्त रिक्त निकल गया, तो इसके लिए, उसको भरपाई करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन करने के लिए पौष्टिक तेल है। धन्वंतरम तेल कैसा है? पौष्टिक तेल है। उसके द्वारा खोई हुई ताकत वापस आ सकती है। ये सिर्फ प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात छोड़ दो, मैं तो बोलता हूं कि कौन सी भी जीर्ण व्याधि के बाद जो डेबिलिटी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, उसके लिए, दुरुस्त करने के लिए धन्वंतरम तैलम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। वृद्धावस्था, वार्धक्य, आफ्टर 40, 40+, 50+, 60+, डीजेनरेशन इज अ कॉमन चीज हो जाती है, उसके लिए जोड़ों की ताकत और मूवमेंट, गतिशीलता बनाए रखने के लिए धन्वंतरम तैलम इस्तेमाल कीजिए। यह थकान दूर करेगी। पूरे शरीर पर लगाने लगा सकते हैं, पूरे शरीर को, फुल बॉडी मसाज के लिए धन्वंतरम तैलम है, या लोकल सिर्फ नी ज्वाइंट को मसाज करना है, सिर्फ बैक को मसाज करना है, तो भी आप धन्वंतरम तेल कम से कम 15 से 20 मिनट तक पहले उसको मालिश करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, और सर्वोत्तम परिणाम के लिए उसके बाद थोड़े से उनून पानी के साथ स्नान करना चाहिए। अभी इसमें जो मौजूद घटक द्रव्य है, ये थोड़ा सा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तिल तेल, हाँ, सीसेमी जो ऑयल बोलते हैं, ये तिल तेल जो है आमतौर पर तिल के तेल का जो प्रभाव है, तो सूजन कम करना और एनाल्जेसिक प्रभाव ज्यादा है। उसके साथ ये जो मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाने में भी ये सहायक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो उसके द्वारा वेयर एंड टेयर झीज कम हो जाएगी। एरंड तेल, जिसको रेसिनस कम्युनिस कहा जाता है, ये गठिया रोग का एक बहुत बढ़िया दवा है, कृमि संक्रमण एंटीबैक्टीरियल भी है, और पेट के विकार जो होता है, ज्यादा कब्ज की शिकायत जब होती है, तो ये दुरुस्त करने के लिए हम एरंड तेल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। त्वचा के संबंधित फोड़, फुंसियां और विभिन्न त्वचा विकार जो है, उसमें भी राहत पाने के लिए आपको टट्टी अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए धन्वंतरम तेल का, एरंड तेल काम करेगा। एरंड का तेल आंतरिक रूप, जैसे मैंने बताया, कब्ज के लिए काम करता है, बालों के लिए, हाँ, हेयर, इसके लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है, जिसके साथ, तिल तेल के साथ हम खोपड़ी को मालिश कर सकते हैं। धेनुक शीरा ऐसा बताया है, धेनुक शीरा, उसका मतलब है गाय का दूध। ये एक संतुलित आहार है, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन बी, पोटेशियम और विटामिन डी ऐसे महत्वपूर्ण घटक है, तो ये प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। दूध और डेयरी उत्पादन पीने से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छिद्र ज्यादा बन जाना और हड्डियों का फ्रैक्चर, ये रोका जा सकता है, और यहां तक कि आपका स्वस्थ वजन जो है वो बनाए रखने में धेनुक शीरा, गाय का दूध, काम कर सकता है। सूखे और घुंघराले बालों से निपटने के लिए प्री कंडीशनर के रूप में दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
फिर स्नान करने से 1 घंटे पहले इसे मतलब धेनु के सिरा गाय का दूध अपने बालों पर लगाना चाहिए। यह अपने बालों को मुलायम कर सकता है और उनका झड़ना कम कर सकता है। दूध दूध मिल्क दूध में मौजूद प्रोटीन बाल और त्वचा के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करते हैं। आगे चलते हैं, अगली वाली मेडिसिनल प्लांट है अग्निमंथ। अग्निमंथ का उपयोग सभी प्रकार के वात विकार, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नसों का दर्द जिसको न्यूरालजिया बोला जाता है, संधि शोथ, अर्थराइटिस, एनिमिक कंडीशन, रक्त की कमी, बवासीर, कब्ज, सामान्य सर्दी और भूख न लगना, इसके लिए हम अग्निमंथ का इस्तेमाल करते हैं। पौधे के अर्क, अग्निमंथ के पौधे का अर्क का उपयोग हम मधुमेह के इलाज, डायबिटीज मेलिटस के इलाज में भी करते हैं। अग्निमंथ अर्क का उपयोग मूत्र पथ के संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी हम आयुर्वेदिक लोग करते हैं। इसके अलावा ये अग्निमंथ का काढ़े का जो उपयोग है वो बुखार में जो ताकत और हमें प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो ताकत और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अग्निमंथ का काढ़ा बुखार में दिया जाता है। अगली वनस्पति है शालपर्णी। ये दशमूल जो गठ है ग्रुप है उसमें से एक द्रव्य है। ये कामोत्तेजक है, इसके द्वारा यौन इच्छा बढ़ सकती है, एनाल्जेसिक है, दर्द कम करने वाली, मूत्रवर्धक, डायुरेटिक है और सूजन रोधी मतलब एंटी इडिमेटस, इडिमा कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए शालीपर्णी काम करेगी। प्रसवोत्तर जो भी शिकायत होती है महिलाओं की, दस्त की शिकायत, ये अलग चीज है, क्रॉनिक बुखार, पित्तज खांसी, उल्टी और अस्थमा में अग्नि शालीपर्णी का उपयोग हम करते हैं। आगे है पृष्णिपर्णी। पृष्णिपर्णी भी दशमूल का एक घटक है। ये भी सूजन रोधी है, दर्द निवारक है, वमन उल्टी होने से रोकता है और कामोत्तेजक भी है। फ्रैक्चर की स्थिति में जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है उसके लिए पृष्णिपर्णी हम दे देते हैं। इसके द्वारा अस्थि भग्न का जो हीलिंग होता है वो प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से और नॉर्मल टाइम पीरियड में हो जाएगा। 3 सप्ताह में जनरली यूजुअली यू शुड हील द बोनी फ्रैक्चर्स, तो इसके लिए पृष्णिपर्णी हम काम में लाते हैं। इसका उपयोग कार्डियो और तांत्रिक टॉनिक के रूप में मतलब नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, ये एक रसायन द्रव्य है, टॉनिक है। इसके इसमें जो सूजन विरोधी कफनिस्सारक, कफ एक्सपेक्टोरेंट जैसी उसकी प्रॉपर्टी है और मूत्रवर्धक भी है। आगे चलते हैं बृहति। बृहति भी दशमूल का एक घटक है। उसका उपयोग बृहति का उपयोग श्वसन रोग चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, न्यूमोनिया हो, अस्थमा हो, उसके साथ साथ लीवर का जो असाइटिस नाम की शिकायत होती है, जलोदर, हृदय के उपचार में भी ये बृहति काम करती है। ये जीर्ण ज्वर, उदर शूल, पेट का दर्द, बिच्छू का डंक, पेशाब करने में कठिनाई तथा कृमि संक्रमण में इस बृहति जड़ का काढ़ा हम देते हैं। उसके द्वारा अस्थमा और खांसी आदि श्वसन विकार कम हो जाता है। बृहति पाचन समस्याओं की स्थिति में भी एक लाभकारी है। उसके द्वारा भूख सुधार लाती है, अपचन ठीक ठाक हो जाता है, पेचिस, गैस और आंतों में कीड़ों के जो प्रभावी परिणाम होते हैं वो कम हो जाता है। ये जड़ी बूटी जो बृहति है वो हृदय को स्टिम्युलेंट है और हृदय की ताकत बढ़ाती है, जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन हम जब क्या बोलते हैं ना 2D echo करते हैं, तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से कम है तो जरूर आपको बृहति का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे शोनलाख नाम की एक वनस्पति है, वो भी दशमूल से एक है। ये भी सूजन विरोधी और एनाल्जेसिक काम करेगी, दर्द कम करेगी, सूजन कम करेगी। शोनलाख ये वनस्पति फोड़ और घावों के इलाज के लिए बीज का पेस्ट हम लगाते हैं। शोनाक जो वनस्पति उसका छाल का काढ़ा डिकॉक्शन मूत्रवर्धक है, दस्त और पेचिस में भी हम दे देते हैं। इससे भूख तो बढ़ेगी और कब्ज निकल जाएगी, कब्ज की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। शोनाक इसके जो साइटोटॉक्सिक और एंटी मेटास्टेसिस की जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण शोनाक कैंसर में उपयुक्त होने वाली एक प्रभावी दवा है। आगे चलते हैं गोक्षुर मतलब ट्राइब्यूसरस टेरेस्ट्रिस। ये भी एक कामोत्तेजक यौन इच्छा जगाने वाली दवा है। इसमें मूत्रवर्धक डायुरेटिक प्रॉपर्टी है। मूत्र संबंधी विकार बच्चे के जन्म से पहले मांसपेशियों को टोन करने में, गर्भपात कराने और दूध के प्रवाह को उत्तेजित के लिए उपयोग किया जाता है।
मतलब ये गैलेक्टेगॉक ब्रेस्ट मिल्क की जो ज्यादा होना है तो गोक्षुर का इस्तेमाल करेंगे, गर्भपात हो रहा है तो उसको रुकाने के लिए गोक्षुर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके द्वारा मांसपेशी का टोन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ गोक्षुर का उपयोग सीने में दर्द, शीर में, सीने में, कहाँ भी दर्द है तो गोक्षुर का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादातर धातु क्षयजन्य वात प्रकोप में जहां डेफिशिएंसीज है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन डेफिशिएंसी है तो गोक्षुर। हाँ, एक्जिमा में, बढ़े हुए प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बीपीएच, गोक्षुर। ओके, यौन विकार और बांझपन, इनफर्टिलिटी के इलाज में गोक्षुर हम दे देते हैं। मूत्र संबंधी विकार, हाँ, इसके भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके लिए भी हम गोक्षुर उबाल कर पेशेंट को देते हैं। पाताल गरुड़ी नाम की एक वनस्पति है, वो दशमूल का एक कंटेंट है। ये पाताल गरुड़ी पित्त और कफ पर प्रभाव डालता है, शरीर को, सूजन को ठीक करता है, रक्तस्राव कम करता है और उल्टी कम करने के लिए पाताल गरुड़ी वनस्पति उपयुक्त है। इसका उपयोग पुराने जमाने में, अभी बहुत तज्ञ एक्सपर्ट वैद्य जो है वही करते हैं, बाकी कॉमन नहीं है। फिर सांप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर, उल्टी पर, ये पाताल गरुड़ी पुराने जमाने में ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव जो इफेक्ट है तो उसके कारण लीवर की जो यकृत है उसकी सुरक्षा के लिए ये पाताल गरुड़ी काम करता है। इसका उपयोग एनिमिक कंडीशन में, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, आरबीसी काउंट कम है, इसके लिए पाताल गरुड़ी बहुत अच्छी है। उसके एनीमिया से जुड़े जो लक्षण होते हैं, सुस्ती, थकान, कमजोरी, ये दूर करने में पाताल गरुड़ी काम करेगी। पाताल गरुड़ी का उपयोग हम ब्रोंकियल अस्थमा, रक्त विकार, पीलिया रोग, उल्टी, पक्षाघात, गठिया, इन सब बीमारियों में करते हैं। आगे चलकर अगली वनस्पति है गंभारी। आमतौर पर बीच की लकड़ी के रूप में यह जाना जाता है। ये रसायन के रूप में भी काम करती है, रक्तस्राव कम करने में मदद करती है, वात दोष को संतुलित करती है और शरीर का पोषण करती है। गंभारी में सूजन विरोधी गुण के कारण दर्द और सूजन कम करने के लिए गठिया रोग की ये गंभारी काम करती है। अगली वनस्पति है हरितक। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि बहुत सारी वनस्पति की हम चर्चा करने वाले, ध्यान से सुनिए, हाँ, जाइए मत, इससे फायदा होने वाला है आप। ये सिंगल हर्बल टैबलेट भी मार्केट में मिलती है, नोट्स बना के रखिए आप। आरोग्य विषयक साक्षरता बनाने के लिए डॉक्टर देशपांडे काम करते हैं, न कि सिर्फ झटपट इलाज और चुटपुटा इलाज करने के फैक्ट, ऐसे कुछ काम नहीं करते, सिंसियरली हम काम करते हैं। हरितकी जो है वो त्रिफला का एक घटक है, हरितकी, विभितक और आंवला। हरितकी बेस्ट लैक्सेटिव है, मतलब पर्गेटिव नहीं है, लैक्सेटिव है ये। इसका इलाज हम कब्ज में कर सकते हैं, कई कबार दृष्टि की समस्या आ जाती है, मोटापे की समस्या है, मसूड़े की सूजन है, गठिया व्याधि है, अस्थमा है, इसमें ये सब चीजों में हम हरितकी का एक तरह या दूसरी तरह से इलाज या इस्तेमाल कर सकते हैं। हरितकी पाउडर जो है वो नारियल की तेल के साथ पेस्ट के रूप में लगाने से इसके कसेली गुण के कारण जो वुंड है, घाव, ठीक हो जाता है। ये संक्रामक एजेंटों से लड़ने में भी मदद करता है और त्वचा संक्रमण को रोकता है। त्रिफला का अगला घटक है हरितकी, विभितक, आंवला। विभितक टर्मिनेलिया बेरेरिका, आमतौर पर बेहरा नाम से ये जाना जाता है, त्रिफला का एक कंटेंट है। इस दवा से कई रसायनों की तैयारी में किया जाता है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स विभितक मिलाकर किया जाता है। मोटापे में इसका उपयोग किया जाता है, रक्त शर्करा का स्तर डायबिटीज मेलिटस में ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए विभितक काम करेगी, पाचन को बढ़ाती है और कब्ज में राहत देती है। विभितक में जो गैलिक एसिड और एलाजिक एसिड है, ये फाइटोकेमिकल्स हैं, ये उच्च मात्रा में है जो रक्त की शर्करा में कम करने में बहुत लाभकारी बताई गई है। इसके द्वारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है और शरीर का वजन भी कम हो जाता है। आमलकी, एमलिका एफुसिनालिस, आमतौर पर भारतीय करौंदा के नाम से ये जाना जाता है, त्रिफला का एक कंटेंट है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, एंटी एजिंग है ये वनस्पति और प्रतिरक्षा बूस्टर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इम्यूनो बूस्टर। आमतौर पर आमलकी का इस्तेमाल कोलेस्टेरॉल को कम करना है, सीने में जलन और मधुमेह की स्थिति में मेंटेन करना है, हमें ब्लड शुगर मेंटेन करनी है, तो आमलकी से ब्लड शुगर भी मेंटेन हो जाएगी और रुग्ण की ताकत भी बेकरार रहेगी। हाँ, एमली का
बहुत सारे उसके इंग्लिश फार्माकोलॉजी की तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ, जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं उनको बहुत फायदा मिल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, एंटी पायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, साइटोप्रोटेक्टिव कैंसर में उपयुक्त है, एंटी अल्सर, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाँ, तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव, ऐसे अमलकी के मॉडर्न फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी। यष्टि मधु ग्लिसराइजा ग्लैबरा चूर्ण के रूप में ये इसका जड़ों का उपयोग मुख्य रूप से आयुर्वेदिक बहुत सारी दवा में किया जाता है। यष्टि मधु तेल का उपयोग जब हम बाहर से करेंगे तो त्वचा की विभिन्न समस्याओं के साथ ये काढ़े के रूप में भी हम करते हैं, इस्तेमाल करते समय तेल भी लगाते हैं, काढ़ा भी इस्तेमाल करते हैं। श्वसन संबंधी विकार और पाचन विकार के लिए आंतरिक यष्टि मधु का उपयोग हम करते हैं। यष्टि मधु का उपयोग विशेष रूप से सिर और गर्दन के कैंसर के रोगियों में जब विकिरण रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के बाद जब मौखिक श्लेष्मा की जो रोकथाम और उपचार के प्रभावी ढंग से ये यष्टि मधु का हम गर्गरिंग वगैरह बता देते हैं, उसके द्वारा मुंह के छाले, स्टोमाटाइटिस, अल्सर बिल्कुल निकल जाते हैं, तो ये केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आपको बचना है तो यष्टि मधु को कभी भी भूलना नहीं। ग्लिसराइजिन और इसके कार्बन ऑक्सोलॉन बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो इसके द्वारा हम कब्ज की एसिडिटी, सीने में जलन, पेट की परेशानी, पाचक तंत्र की सूजन और गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं वो भी उसके द्वारा ये एंटासिड जैसा काम करता है, हल्के रेचक रूप में भी काम करता है और मल त्याग करने की प्रोसेस में मदद करता है। अगली एक वनस्पति है मंजिष्ठा रूबिया कॉर्डिफोलिया, ये रक्त शुद्ध करने वाली वनस्पति है। इसका ज्यादातर जहां भी स्रोतोरोध होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो अवरोध दूर करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपको मंजिष्ठा लानी होगी आपकी प्रैक्टिस में। त्वचा की सफेदी को बढ़ावा देने के लिए मंजिष्ठा जड़ी बूटी का उपयोग त्वचा पर आंतरिक और मतलब कलर एंड कॉम्प्लेक्शन सुधार के, वैसे तो विटिलिगो जब होता है श्वेत कुष्ठ उसको दुरुस्त करने में, ल्यूकोडर्मा खत्म करने में मंजिष्ठा बहुत बढ़िया काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसमें, तो मुहासे पैदा करने वाली बैक्टीरिया को विकास को रोककर मुहासे और फुसियों फुंसिया जो होती है एप्सिस प्रबंधित करने में प्रिवेंटिव मेजर तरीके से मंजिष्ठा काम करेगी। एला, एला तो खाद्य पदार्थ भी है, खाने में भी लाते हैं, औषधि भी है, इसको इलायची बोलते हैं, इलायची ये सुगंधी है और एरोमेटिक होने के कारण वातानुलोमन का काम ये बहुत बढ़िया तरीके से करती है। सांस की बदबू हेलिटोसिस दूर करने के लिए एला का उपयोग करना चाहिए। फेफड़े के भीड़ और अन्य फुफ्फुसीय रोगों में बहुत ही ये फायदेमंद है, इसका उपयोग भी रेचक के रूप में हम कर सकते हैं। और पेट का दर्द है, पेट फूलना है, गैस हो जाना पेट में, ऐंठन को रोकने के लिए ये एला या इलायची का इस्तेमाल हम करें। बला सिरा कॉर्डिफोलिया, जैसे नाम से पता है बला का मतलब स्ट्रेंथ, ये स्नायु को, हड्डियों को, जोड़ों को ताकत देने वाली, लिगामेंट, टेंडन सब बढ़िया बन जाए। गर्भावस्था में आसान प्रसव के लिए स्मूथ डिलीवरी दूध का, ये बला जो है ना उससे बनाया हुआ दूध का काढ़ा, जिसको क्या बोलेंगे बला सिद्ध दुग्ध, ऐसे दे सकते हैं। कुछ कुचले हुए पत्तों का उपयोग सूजन से राहत देने के लिए किया जाता है। बला के जो फ्रूट्स होते हैं फल का उपयोग सिर दर्द के राहत के लिए किया जाता है। श्लेष्म का उपयोग कम करने के लिए ये बला वनस्पति काम करती है और जड़ का उपयोग गठियों के इलाज के लिए किया जाता है। अगली वनस्पति है देवदारू सिड्रस देवदारा, ये त्वचा विकार हेलमिंथियासिस, कृमि बोलते हैं ना, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, देवदारू काम करेगी। और एमीबा है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंगा है, देवदारू अल्सर के लिए उपयोगी है और घाव वुंड साफ करने के लिए मदद करेगी, मतलब वुंड क्लींजिंग प्यूरिफिकेशन, इन्फेक्टेड वुंड्स में ये काम करेगी। पेट फूलना दूर करने के लिए देवदारू देते हैं। आंत्र से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए देवदारू काम करेगी। इसमें एनाल्जेसिक भी गुण है, उसके लिए ये गठिया रोग का दर्द जो होता है वो कम करेगी। बाहरी लगाने से दर्द, सूजन, जलन, संक्रमित घावों को साफ करना और दर्द तथा खुजली
खुजली से जुड़ी त्वचा विकारों में राहत देने के लिए देवदारू काम करी। हिमालयन देवदार जो है, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, उसका तेल का उपयोग सिर दर्द, गठिया के दर्द और बाहरी रूप से संक्रामित घावों से ठीक करने के लिए देवदार का तेल का इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इतने सारे बहुत ही बढ़िया कंटेंट रखने वाला ये तेल है, धन्वंतरम तेल। इसीलिए मैं उसको बोलता हूं कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, हमारी ताकत ये बढ़ाने वाली दवा है। घर बैठे बैठे आप इसको जरूर मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कौन सी भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्रेन का है, लीवर का है, हार्ट का है, गुर्दे का है, जो भी है, आप हमारे आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन डॉक्टर से साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9226810630। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरत है, ऐसे हर वीडियो में मैं बात करता हूं और सत्य घटना है। उसके साथ साथ मैं आपको विनंती करता हूं कि वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसके ही द्वारा मेरी उम्मीद बढ़ती है और मतलब कंटिन्यू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।